भारत हॉस्पिटल में माहिर डॉक्टर्स की फीस सिर्फ 50 रुपये, कहाँ मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा, भारत मेडिकल पर सब मिलता है। मोहम्मद यूसुफ अतार के फरजान अब्दुल समद के यहाँ म्यारी कंपनियों के सीसीटीवी कैमरे जैसे C+ दस्तियाब है। LED लाइट्स, सिस्काई TLS और इसके अलावा दूसरी कंपनियों के LED बल्ब दस्तियाब है। हमारा पता है रूबरू मक्का मस्जिद अफरा कलेक्शन के पीछे, चौक बाजार, नांदेड़। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नांदेड़ न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। एकता ग्रुप के ज़ेर एहतमाम टेलरिंग सेंटर की इफ्तिताह फेरोज लाला के हाथों अमल में आई। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा और इस हलके के जो नौजवानों ने जिन्होंने काम किया, सबसे पहले मैं एकता ग्रुप के नौजवानों की जो हिम्मत अफजाई करता हूँ उनको मुबारकबाद देता हूँ। ये मुआशरे के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो हलका है, ये जो इलाका है, ये प्रभाग नंबर 12 का है और यहाँ पर स्लम एरिया ज़्यादा है और ये जो लोगों ने काम किए यकीनन एक ऐतिहासिक काम है और ये काम नौजवानों ने करना चाहिए। इसका मुझे इन नौजवानों का आज मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और मेरे लिए एक बड़ी फख्र की बात है, क्योंकि ये काम मेरे जैसे नौजवान कर रहे हैं। और हकीकत में देखा जाए नांदेड़ महानगर पालिका में जो महिला बाल कल्याण सभापति जो है, इंशाल्लाह मैं उनसे भी मिलूंगा और इन नौजवानों के साथ जो जो इनको मदद लगती है उसका पार्ट पूरा करने के लिए मैं इंशाल्लाह इनके साथ रहूंगा। और ये काम हकीकत में महानगर पालिका के सियासी लोगों का काम है, ये जो क्लासेस चलाने का काम है, यहाँ पे लड़कियों को सिलाई मशीन के जो काम है वो करने फ्री में सिखाने का काम किया जा रहा है। और यहाँ पर दूसरी बात एक ऐसी देखने में है कि जो पहली से लेकर सातवीं तक का जो ट्यूशन लिया जा रहा है, हकीकत यह है कि जो जिसको तालीम होती है उसमें एक सुध-बुध आती है और तालीम का मामला थे। तालीम ऐसी एक ज़रूरत है इंसान के लिए कि जिसकी वजह से आदमी में एक सिफत आती है और आदमी पढ़ लिख कर ही कुछ बढ़ सकता है। तो इन नौजवानों ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है, यकीनन इनकी जितनी तारीफ की है कम है, क्योंकि इस सलम एरिया में एक गरीब बस्ती में जो इन्होंने जो कदम उठाया है, हकीकत ये तारीफ काबिल है। सर, आपके हिसाब से अगर इस तरह की कोशिशें अगर नगर पालिका से लाने के वास्ते आपकी मदद ली जाए तो आप क्या कुछ कोशिश? मैं महानगर पालिका के कमिश्नर से मिलूंगा, कमिश्नर को बताऊंगा कि भाई एक नौजवान तबका जब यहाँ काम करता है, जो महानगर पालिका से जो इनकी मूलभूत सुविधा है, जो इनका हक है वो दिया देना चाहिए। और महानगर पालिका में अक्सर ये चीज़ें दिए जाती है, सिलाई मशीन का हो तुम्हारे लेडीज़ के लिए और जो जो भी महिलाओं के लेडीज़ के लिए जो फैसिलिटीज़ होती है वो महानगर पालिका का काम है और महानगर पालिका ने देना चाहिए। इंशाल्लाह मैं महानगर पालिका के आयुक्त से मिलूंगा। खदीम शहर के महबूबिया कॉलोनी में एकता ग्रुप की जानिब से टेलरिंग और मेहंदी डिजाइनिंग फैशन डिजाइनिंग सेंटर की इफ्तिताह राष्ट्रवादी कांग्रेस के यूथ शहर सदर फिरोज लाला के हाथों अमल में आई। इस सेंटर में मेहनतकश और ज़रूरतमंद खवातीन व लड़कियों के लिए खुद रोज़गार का बेहतरीन मौका है। इस सेंटर की एडमिशन तारीख 18 मार्च रखी गई है। हमारी तरफ एकता ग्रुप की तरफ से हमने सेंटर क्लास खोले हैं और यहाँ पर ट्यूशन का भी मुआवजा किया गया है, ट्यूशन भी चालू है और हमारे बड़े बड़े जिम्मेदार हमारा सपोर्ट भी कर रहे हैं। हमने आज फिरोज लाला को बुलाया, हमारे हुसैन भैया को बुलाए और कुछ मोहल्ले के जिम्मेदार भी आज हमारे साथ है। हमको बहुत फख्र होता है कि हमने एक काम स्टार्ट किए। इंशाल्लाह हमारी एक कोशिश ही है और आगे बढ़ा ये काम ऐसे बढ़ा जाएगा। ये सोच कहाँ से है आपको तो इस तरह से काम करना चाहिए? आपने कुछ पिछले दिनों एक कैंप भी लिए थे जी लड़कियों के सेंटर, तो ये सोच कहाँ से है कि इस तरह से काम करना चाहिए? ये सोच हमारे पास कोई से लेडीज आई थी जो गरीब गुरबा थी, शादी के लिए प्रॉब्लम था। हमने बहुत से लोगों को भी कहा है कि इसकी बेचारी को हेल्प कर लो, तो उस टाइम में किसी ने नहीं किया। हम नौजवान बच्चे एक जगह हुए और हमने उस शादी का मसला हल किया। हमको लगा हम कुछ कर सकते हैं
और हमें आगे करना भी चाहिए, तो हमने वहाँ से स्टार्ट किए, कोई गरीब बच्चों के शादी में मदद करना चालू किया। वही धीरे धीरे करते करते सोच बढ़ते बढ़ते एक हमने कैंप भी लिया है आगे फ्री चेकअप, और थोड़ा बढ़ते बढ़ते हमने आज ये सेंटर क्लास की ओपनिंग भी करे, यहाँ ट्यूशन भी चालू है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर अभी सेंटर क्लास भी पीर के दिन से स्टार्ट होगा। आगे और कुछ करने के इरादे? अल्हम्दुलिल्लाह आगे और बहुत कुछ करेंगे, ऊपर वाला और जाए जितना हमको हिम्मत देंगे और उतना आगे आगे हम बहुत कुछ करेंगे और ऐसे कैंप लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और एक से दो और ऐसे सेंटर क्लास भी ओपन करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर सेवेंथ स्टैंडर्ड तक बच्चों को तालीम दिए जा रही है और चार्जेस नहीं के बराबर है, तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप भी अपने बच्चों को ट्यूशन क्लासेस के लिए भेजें। यहाँ पर महीने में इस तरह के क्लासेस खुलने की वजह से क्या बच्चों को लड़कियों को फायदा हो सकता है? तो यहाँ पर ट्यूशन क्लासेस के लिए दूर भी जाने की ज़रूरत नहीं है और चार्जेस बिल्कुल कम है, तो आपको दूर भी नहीं जाना पड़ेगा और चार्जेस नहीं के बराबर है, तो कोई तकलीफ नहीं होगी और बच्चों को तालीम भी हासिल हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मसरत की और ख़ुशी की बात है कि हमारे मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों ने जो एक कमेटी बना के जिसका नाम एकता कमेटी है, महबूबिया कॉलोनी के अंदर बहुत सारे बच्चे ट्यूशन से पढ़ाई से महरूम हैं, उनके लिए इतनी जद्दोजहद करके ये कमेटी बनाए उन्होंने। और यहाँ पे सिलाई मशीन, ट्यूशंस, अरबी तालीम, बच्चों के कलर्स, मेहंदी डिज़ाइन, पूरे पूरे तरीके से यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग, तालीम, बड़ों को और जो कुछ भी हर चीज़, यानी कि जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं, जैसा हुआ दवा खाना यानी किसी फंक्शन का या और बहुत सारी चीज़ें हैं, शादी तो एक अहम बात है उसके लिए हर एक सामने आता, मगर और सारी छोटी छोटी चीज़ों को नज़र रखते हुए मोहल्ले की सफाई, नालियों का काम। अच्छा बाजी, अभी तक जो आपके बच्चियाँ सेवन क्लासेस सीखने के लिए जाती थी तो कहाँ पर जाती थी, या मोहल्ले में जाती? नहीं नहीं, मोहल्ले के बहुत बाहर जाना पड़ता था, जाने में दिक्कत होती थी, उनके आने में हमको टेंशन होती थी कि बच्चे अभी तक हमारे क्यों नहीं आए, इस वजह से हमको कभी कभी तो उनके ऐसे बाहर जाना पड़ता था कि हमारे मोहल्ले की बच्चियाँ आएँ। और कुछ ऐसी औरतें हैं यहाँ पे जिनका काम आधे में रुक गया है, सेवन क्लासेस है, एम्ब्रॉयडरी है, मेहंदी डिज़ाइन है और बहुत सारे हुनर है जो औरतों के अंदर अभी तक छुपे हुए हैं, ये बच्चों के एकता कमेटी की वजह से, इनकी मेहनत, कामयाबी, कोशिश की वजह से जो भी बचा हुआ काम है इंशाल्लाह वो पूरा होगा, हर एक सहूलत होंगी और हर एक चीज़ में, यहाँ तक कि छोटी से छोटी चीज़ में बच्चे ध्यान देंगे, उनके हम भी हैं उनके साथ और हमारे बड़े भाई है, ये हमारे मोहल्ले के बुज़ुर्ग है, ये सब मिल के, और हम दुआ करते हैं कि बच्चों को कामयाबी हर जगह मिले और आप सब मिल के कोशिश करें, जहाँ भी इनको दिक्कत आती है हम सब तो इनके साथ है ही, हमारे बुज़ुर्ग है, बड़े हैं, हमारे भाई है, हमारे भाईजान तो हर वक्त हमारे बच्चों के साथ हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे मसले हैं इंशाल्लाह, वो सारी चीज़ें ये एकता ग्रुप के ज़रिए से अच्छे से अच्छे तरीके से कामयाब होंगी, और ये हमारी दुआ है बच्चों के लिए, बहुत बहुत मुबारकबाद वो बच्चों को कि सारी दिक्कतों को देखते हुए भी वो बच्चे यहाँ तक आए, खुद के मनी, उनके खुद के खर्चे से ये चीज़ उन्होंने मुकम्मल करे, इसमें हमारा कोई कोऑपरेट। मोहम्मद बशीर अहमद परदेसी के फदन मोहम्मद फारूक अहमद के यहाँ शादी ब्याह और रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए हर किस्म के हैदराबादी वज़ा के बर्तन दस्तियाब है, एक मरतबा ज़रूर तशरीफ़ लाए। एम ए फारूक एंड ब्रादर, मेडर सेंटर, रूबरू मक्का मस्जिद चौक, बाजार नांदेड़।